हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के मैप को लेकर के, और इस पूरे मैप को हम लोग समझेंगे और याद करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक से। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में टोटल जो स्टेट है वो है आपके 28, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 28 स्टेट है। अब अगर बात करी जाए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान, जिसका पूरा एरिया है 342,239। अगर इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूं सबसे छोटे स्टेट को लेकर के, तो वो कौन सा है, ये है गोवा, जिसका टोटल एरिया जो है वो है 3,702। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सा है, पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है, तो वो हम बात करेंगे यूपी को लेकर के। और सबसे लीस्ट जो पॉपुलस है वो है आपका सिक्किम। अब अगर लेटेस्ट स्टेट की बात करी जाए तो ये बनेगा आपका तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, सन 2014 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज को लेकर के, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के, तो ये कितने हैं, 8 हैं। इसी के साथ गाइस, आगे अगर हम बात करें तो आपको कुछ और चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि लार्जेस्ट यूटी। तो लार्जेस्ट यूटी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, सबसे छोटा जो है वो है आपका लक्षद्वीप, और मोस्ट पॉपुलस यूटी है आपका दिल्ली, ठीक है, जो कि क्या है, इंडिया की कैपिटल है। और लीस्ट पॉपुलस की बात करें तो ये होगा आपका लक्षद्वीप। अब अगर सवाल यहां से ये पूछते हैं कि भाई लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आपको पता है ना कि अभी क्या हुआ था, 26 जनवरी 2020 को एक नया यूटी बनाया गया था, दो को मर्ज कर दिया गया था, वो था दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इसी के साथ गाइस, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें बॉर्डर भी इसके पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बॉर्डर को लेकर के बात कर लेता हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो क्या करता है, 7+2, यानी कि 7 यहाँ पे आपके लैंड बॉर्डर होंगे और 2 आपके वाटर। अब ये 7 कौन कौन से होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, ये वाला आप एरिया देख सकते हैं, राजस्थान और गुजरात वाला, ठीक है। तो यहां से आप बॉर्डर देख सकते हैं पाकिस्तान का है। और इसके साथ अगर आप ये यूटी देखिए लद्दाख वाली, तो यहां से जो बॉर्डर शेयर करता है वो किसी करता है, अफगानिस्तान की। और ये आपका क्या हुआ, इधर वाला, ये आपका चाइना हो गया। इसी के साथ ये आप नेपाल देख सकते हैं, तो कितने हो गए, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका हो गया चाइना, और चौथा हो गया आपका नेपाल, और पांचवा आप यहाँ पे देख सकते हैं भूटान। इसी के साथ छठा यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश, ठीक है गाइस। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे आप जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सातवां देखने को मिलेगा म्यांमार। तो ये 7 कंट्री है जिनके साथ क्या करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। अब अगर 2 वाटर की बात करी जाए, तो ये यहाँ पे आप एक देख सकते हैं क्या, श्रीलंका, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मालदीव्स, ठीक है, इसी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलता है। तो ये पूरे के पूरे 9 कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है गाइस। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पाकिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसी के साथ वाटर की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो ये 9 कंट्री आपको ध्यान रखने हैं जिनके साथ इंडिया क्या करता है, बॉर्डर अपना शेयर करता है। अब गाइस चलिए समझते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं, इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को। तो आपको इस मैप को बहुत ध्यान से समझना है। पहले हम क्या करते हैं, एक बार रीड करते हैं जो हमारे 28 स्टेट हैं वो, और साथ साथ जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको, तो हम एक बार सिंपली मैप में रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिक पे फोकस करेंगे और ट्रिक के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पहले क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे इसको रीड ही कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, स्टेट को रीड करूंगा, यहाँ पे मैं यूटी को काउंट नहीं करूंगा। तो चलिए देखिए यहां से शुरू करता हूं मैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है आपका पंजाब और ये है हरियाणा। इसी के बाद जैसे ही आप हरियाणा से नीचे उतरेंगे आप पहुंच जाएंगे राजस्थान, और राजस्थान से नीचे उतरेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गुजरात। आपको बिल्कुल बीच सेंटर में देखने को मिलता है क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो ठीक है आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, और कर्नाटक के थोड़ा सा ही पास में आपको देखने को मिलता है क्या, गोवा। और कर्नाटक के जैसे ही आप नीचे के आएंगे तो साइड की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको केरला देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु।
इसी के साथ गाइस फिर आप इधर से शुरू करता हूं, तो यहां पे देखिए आप, ये है उत्तर प्रदेश और यूपी और बिहार, तो आपको पता ही है एक साथ आता है ये, तो यूपी और ये बिहार हो गया, ठीक है, एक साथ हम इसको देख सकते हैं मैप में। और गाइस ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, उसी के साथ उसी के पास में देखते हैं तो देखने को मिलता है झारखंड, झारखंड के नीचे आता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और उड़ीसा के ठीक नीचे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और फिर देखने को मिलेगा तेलंगाना, ठीक है गाइस। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ेंगे ऊपर की साइड पे तो ये देखने को मिलेगा आपको सिक्किम, और सिक्किम के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सेवन सिस्टर, यानी कि सात ये स्टेट आपको ध्यान रखनी है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अब गाइज ये तो बात होती है स्टेट को लेकर के, और अब हम लोग देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी को लेकर के कि हमारे यूटी कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसको लेकर के समझते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला जो हमारे कंट्री का सर का ताज है ना, तो ये आप देख सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये वाला आपको लद्दाख देखने को मिलेगा और ये होगा जम्मू कश्मीर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा जो आप देखते हैं वहीं पे आपको देखने को मिलता है क्या, चंडीगढ़। गुजरात साइड पे आपको देखने को मिलता है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। इसी के साथ गाइस कुछ यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आइलैंड देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, और यहाँ पे एक हमारा यूटी है उसका नाम है पुडुचेरी, और ये आप देख सकते हैं ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, और ये हो जाएगा आपका दिल्ली। तो ये है हमारे यूनियन टेरिटरी जिनको हम मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनको हम समझ सकते हैं। अब चलिए गाइस जैसे कि हमने पहले इससे ऑब्जर्व करा है, तो ऑब्जर्व करने के बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम लिख लेते हैं, फिर उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड, और ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद आपको ठीक देखने को मिलेगा पंजाब, और ये वाला जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका हरियाणा, हरियाणा के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, राजस्थान के पास आपको देखने को मिलेगा गुजरात, और गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ही लगा हुआ छोटा सा है गोवा। तो इतने सारे स्टेट को हम लोग एक सिंपल से ट्रिक से याद करते हैं। अब देखिए ये जो लड़की है इसका नाम है हिमा, और हिमा कहाँ की है, हिमा है उत्तर की, तो उत्तर की हिमा किसमें, पंजे में हार गई, उत्तर की हिमा पंजे में हार गई, और हारने के बाद उसने क्या कर लिया, इस राज नाम के लड़के से शादी कर ली, और राज नाम के लड़के से शादी करके गुजारा कहां पे कर रही थी, गुजरात में, गुजारा से गुजरात याद हो जाएगा, ठीक है, और फिर गुजरात से वहां चली गई, वहां से महा याद आ जाएगा, महा मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही, महाराष्ट्र से फिर कहां आ गई, गोवा आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उत्तर की हिमा, तो उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा, हिमा से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पंजे में हारकर, पंजे से आपका पंजाब हो गया, हार से आपका हरियाणा हो गया, हार कर किससे शादी कर ली, राज से, राज से राजस्थान हो गया, और फिर गुजारा करने कहां चली गई, गुजरात, ठीक है, तो गुजारा से गुजरात हो जाएगा, फिर गुजरात से वहां, वहां से महा हो जाएगा, महाराष्ट्र की बात हो रही है, और महाराष्ट्र से फिर कहां चली गई, गोवा चली गई। तो ये सिंपल से जो स्टेट थे ये हमने एक ट्रिक से याद कर ली। अब इसके सेंटर में आप अगर देखिए तो बीच में आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर में है, मध्य में है, वो होगा आपका मध्य प्रदेश। ऊपर वाला एरिया मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। हम 28 स्टेट को ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइड में, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा करेले की शेप में केरला, तो इस तरीके से इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब गाइस आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूपी, और यूपी के साथ क्या आता है, बिहार, तो ये आप देख सकते हैं यूपी और बिहार हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे ऊपर जो छोटा सा लगा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसको भी हम लोग अभी अपनी ट्रिक में काउंट नहीं करते हैं। अब दूसरी ट्रिक पे बात कर लेते हैं गाइस, ये वाला जो एरिया देखते हैं वो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और उसके पास में देखने को मिलता है झारखंड, और झारखंड के बाद इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास में आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपको यहाँ पे नीचे को देखने को मिलेगा ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर लगा हुआ ये आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, और तेलंगाना के पास यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कर्नाटका, और कर्नाटका के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ये जो झारखंड है, झारखंड से हम झाड़ी को ध्यान रखेंगे, झाड़ी का बंगला, झाड़ी का बंगला, झाड़ी के बंगले में छत पर, छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत पर उड़ती है चिड़िया, ठीक है, उड़ने से उड़ीसा हो जाएगा, और जब चिड़िया उड़ती हैं तो वहां से किसकी आवाज आती है, गाने की आवाज आती है, गाना से तेलंगाना हो जाएगा,
और जो गाना गाता है, जब गाने की आवाज होती है वहां पे, तो वो क्या होता है, वहां पे अंधेरा होता है, तो अंधेरे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये जो अंधेरे का नाटक है ना, अंधेरे का नाटक है, वो मैंने किसमें देखा, तमिल में देखा। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बन रही है क्या। एक तो सिंपल सी बात यह है कि झाड़ी के बंगले में छत पर चिड़िया उड़ रही थी, उड़ने से उड़ीसा हो जाएगा, और उस पर से गाने की आवाजें आ रही थी, अंधेरा था वहां पे, और अंधेरे का ये जो नाटक था, ये जो हॉरर मूवी थी, वो मैंने तमिल में देखी। तो इस तरीके से हम ये सारे स्टेट याद कर लेंगे। अब गाइस बचता है हमारा ये वाला एरिया, तो इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर ये जो है आपका एरिया, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपको देखने को मिलता है आसाम, और ये आपको देखने को मिलता है क्या, मेघालय, और ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड, और नागालैंड के नीचे देखने को मिलता है आपका मणिपुर, और ये वाला आपका एरिया होता है क्या, मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपको देखने को मिलता है क्या, त्रिपुरा। तो आप देखिए इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं अरुणा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो लड़की है वो क्या है, अरुणा है। अरुणा ने क्या करा, आसमान में देखा, आसमान से आसाम हो जाएगा, आसमान में उसने क्या देखा, मेघ देखे, बादल देखे। तो जब उसने बादल देखे तो उसको लगा कि ये बारिश का टाइम है, और बारिश में क्या होता है, नाग जो होता है वो क्या करते हैं भाई, निकल आते हैं, अपने बिल वगैरह से निकल आते हैं। तो उसको नाग का ख्याल आया, नाग का उसको जैसे ही ख्याल आया, तो फिर उसको ये भी पता लगा कि एक नागमणि होती है, और फिर उसको पता लगा कि जो नागमणि है वो क्या है, वो राम की धरोहर है, यानी कि भगवान की धरोहर है। उसने क्या बताया कि जो मणि है वो भगवान राम की पूरी तरह से धरोहर है, पूरी से त्रिपुरा आपका हो जाएगा, ठीक है, और जो राम से मिजोरम हो जाएगा, मणि से आपका मणिपुर हो जाएगा। किसकी किसको ऑब्जर्व करा था उसने, नाग को, तो नाग से आपका नागालैंड हो जाएगा। किसको देखा था उसने, मेघ को देखा था, तो मेघालय हो जाएगा। और कब ऊपर देखा था, तो आसमान हो जाएगा। किसने देखा था, तो अरुणा ने देखा। तो इस तरीके से गाइस हम लोग समझ सकते हैं ये अपने साथ के साथ स्टेट। अब गाइस इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं बिना किसी ट्रिक के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिविजन अपना स्टार्ट कर लेते हैं, और रिविजन में मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि उत्तर में रहती थी हिमा, उत्तर में रहती थी हिमा, और जब वो हारी तो उसने क्या कर लिया, राज से शादी कर ली थी, और फिर गुजारा गुजरात में करा था, वहां से महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, वहां से महाराष्ट्र गई, और महाराष्ट्र फिर कहां चली गई, गोवा चली गई। एक तो ये ट्रिक हुई थी हमारी। फिर हमने क्या कहा था कि सेंटर में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, करेले की तरीके से केरल देखने को मिलेगा, और फिर यूपी और बिहार आपका आता है एक साथ। ऊपर की तरफ छोटा सा जो देखने को मिलेगा सिक्के के शेप में, वो हो जाएगा आपका सिक्किम। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि ये हमारा वेस्ट बंगाल होगा, ये हमारा झारखंड हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है वो हमारा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के साथ साथ ये हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और ये हो जाएगा तेलंगाना, ये कर्नाटक, और ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो सिंपल सी स्टोरी बनाई थी कि झाड़ी के बंगले में क्या हुआ था, छत पर उड़ रही थी चिड़िया, और उसमें गाने की आवाजें भी आ रही थी, अंधेरा भी था वहां पे। तो ऐसा कुछ जो नाटक था वो हमने क्या करा था, तमिल में देखा था। तो इस तरीके से हम ये सारे स्टेट याद कर लेते हैं। अब इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या देखा था, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड, इसी के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, और ये आपका होता था त्रिपुरा। हमने बताया था कि अरुणा ने क्या करा था, आसमान में देखा था, आसमान में उसने क्या देखा था, मेघ देखे थे, है ना, मेघ देखने के बाद उसको नाग का ख्याल आया था। नाग जब उसको ख्याल आया तो उसको लगा कि भाई यहाँ पे नागमणि जो है वो क्या है, जो राम की धरोहर है, जो भगवान की धरोहर है, वो पूरी तरीके से किसकी धरोहर है, भगवान की धरोहर है। तो इस तरीके से हमने ये सारे स्टेट को कवर कर लिया गाइस। अब गाइस क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको एक बार बिल्कुल ब्लैंक मैप में समझते हैं, ब्लैंक मैप में याद करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अब मैं अगर इस वाले स्टेट की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और इसी के साथ ये वाला स्टेट आपका हो जाएगा पंजाब, ठीक है। तो ये बात हुई, फिर उसके बाद ये आपका क्या हुआ, हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद ये आपका हुआ राजस्थान, राजस्थान के बाद ये आपका हुआ गुजरात, और गुजरात के बाद ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये जो छोटा सा एरिया है ये आपका हो जाएगा गोवा, गोवा के बाद ये जो है
ये स्टेट आपको देखने को मिलता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमने दूसरी ट्रिक लगाई थी वो हमने क्या देखा था, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश ये आपका हो जाएगा यूपी, और ये हो जाएगा आपका बिहार, और फिर ये छोटा सा एरिया हमने बताया था सिक्के की तरीके से आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद फिर हम आगे बात कर लेते हैं अपनी दूसरी ट्रिक को लेकर के। फिर हमने बताया था झाड़ी मतलब झारखंड को लेकर के बात हुई थी, और फिर हमने देखा था ये हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के साथ साथ ये वाला जो एरिया था ये था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये था आपका आंध्र प्रदेश, और ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के बाद फिर आपका ये हो जाएगा तमिलनाडु, और फिर हम इसकी बात कर लेते हैं इस वाले एरिया की सेवन सिस्टर को लेकर के। तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये वाला एरिया आपका आसाम आता है। आसाम के बाद ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय के बाद फिर ये वाला जो एरिया है हमारा ये हो जाएगा नागालैंड। ये हो जाएगा आपका मणिपुर, और मणिपुर के साथ साथ ये हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम के साथ ये लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो गाइस ये था पूरा इंडिया का मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्कोर बताइए कि कितना आपका स्कोर हुआ है। सो गाइस जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।